तो गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस आज आप लोगों को एक फ़ोटो एडिट करके मैं दिखाऊंगा। तो ये इनशॉट जो है ये ऐप आप लोगों के पास है तो एक मैं यहाँ पर फोटो एडिट करके दिखाऊंगा। वन क्लिक में ही आप कैसे बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं इनशॉट से, ये आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्यन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये इनशॉट ऐप जो है इसको ओपन करना होगा। करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इस फोटो वाला सेक्शन पर चले जाइएगा, यहाँ पर न्यू पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो भी फोटो है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं फटाफट से यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि साथियों अभी देख ही सकते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो फोटो है ये यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर आपको फास्ट में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको 9:16 का एक्सपेक्ट रेशो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। लेने के बाद आपको यहाँ पर फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना होगा। लेने के बाद इसको ओके कर दीजिएगा। जैसे कि साथियों अभी यहाँ पर देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को फास्ट में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो मैं फ़ोटो करना जो यहाँ पर कलर ग्रेडिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडजस्टमेंट पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप एडजस्टमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, लुमिनेस को थोड़ा सा हल्का सा आपको कम कर लेना होगा। लेने के बाद आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा अभी यहाँ पर बढ़ा लेना है, थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी है आपको फ़ोटो के हिसाब से इसको अभी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस प्रकार का एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो अभी आपको सिचुएशन जो ना यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेना होगा। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, जो मेन काम है ना ये आप लोग को HSL जो है इसके ऊपर आपको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हुई है, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसको कोई सरकारी नहीं करना है। तो अभी आपका सिचुएशन वाला ऑप्शन जो है ना इसके ऊपर आपको क्लिक कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से जो आपको ग्रीन है ना, जो आपको पीछे का जो बैकग्राउंड ग्रीन है, इसको अभी कौन सा कलर में आप रखना चाहते हैं कोई भी अच्छा लगता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रीन ही रखता हूँ तो इसलिए मैं इसको 100 तक कर देता हूँ। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको येलो कलर जो है ना इसको अभी थोड़ा सा इंक्रीज 100 तक कर देना है। देने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो ये ड्रेस है ना ये रेड कलर इसको ऊपर इस तरीके से करोगे तो इसको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाना है। तो आपको जो ड्रेस है उसके हिसाब से आप इस तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा। लेने के बाद आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ पर लुमिनियस जो है ना इसको ऊपर क्लिक करना होगा। फास्ट जो है ना इसको आपके फेस है वो फेस को आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेना होगा। बढ़ाने के बाद आपको फिर से आपको दूसरे नंबर पर आना होगा। इसको अभी इस तरीके से देख सकते हैं, जो आपको फेस का कलर है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का जो है आपको लाइट आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको जो येलो कलर है इसको अभी थोड़ा सा इस तरीके से इंक्रीज कर देना होगा। मैं 100 तक कर देता हूँ। जो आपको जब जिस तरीके से आप ब्लर करोगे तो अभी बहुत ही अच्छा दिखेगा। जो ग्रीन कलर है इसको अभी इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना होगा। मैं यहाँ पर 54 तक कर देता हूँ। फिर से आपको इस तरीके से यहाँ पर हल्का हल्का सा इसको बढ़ा लेना होगा। तो मैं ये यहाँ पर कर लेता हूँ, आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो गाइस इस प्रकार का होने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, टिक पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ का काम आपको हो गया है, इसको वीडियो आपको फोटो को यहाँ पर सेव कर लेना होगा। लेने के बाद इसको अगर सेव करना होगा, सेव करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, आपको पास एक कैपकट एप्लीकेशन होना चाहिए। नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं दे दिया हूँ, आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा,
कैपकट को ओपन कर लेना होगा। कैपकट ओपन जैसे ही ओपन करोगे तो कुछ थोड़ा सा आपको ये लगेगा और लोडिंग लगेगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर सामने आ जाएगा। मैं कैपकट को देख सकते हैं साथियों यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। करने के बाद अभी आपको फोटो सेक्शन पर जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर आपको फोटो को जो आपको एडिट किया है वो फोटो आपको यहाँ पर लेना होगा। लेने के बाद अभी आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। 9:16 का एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसको ओके कर दीजिएगा तो अभी आपको कलर ग्रेडिंग तो हो गया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको जो आपको जो फोटो है इसको लेयर को थोड़ा सा इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसको अभी कॉपी कर लेना होगा। लेने के बाद आपको फर्स्ट फोटो में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फिल्टर वाला, जो यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना होगा। सॉरी गाइस, फिल्टर नहीं है, यहाँ पर फिल्टर पर नहीं क्लिक करना है आपको। तो मैं कहाँ पर क्लिक करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर तो गाइस अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड करोगे तो यहाँ पर एक आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। करने का बाद अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा। लेने के बाद इसको जो कैपकट है ना इसको VPN से कनेक्ट कर लेना होगा आपको, नहीं तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ओपन एंड क्लोजिंग पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको फास्ट में देखोगे तो एक हेलो ब्लर का जो ऑप्शन है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं इसको जैसे ही मैं क्लिक किया हूँ साथ साथ आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर आ गया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, तो गाइस अभी आपको यहाँ पर जो हेलो ब्लर है ना इसको अभी आपको यहाँ पर लगाना होगा। लगाने के बाद अभी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपको फेस है ना इसको भी आपको ब्लर यहाँ पर कर दिया है। तो आपको हेलो ब्लर पर ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको एडजस्टमेंट पर आना है। आने के बाद आपको स्पीड को ना एकदम आपको जीरो कर देना होगा। देने के बाद आपको इंटेंसिटी जो है ना वो आपको जितने तक आपको ब्लर यहाँ पर कर सकते हैं करना चाहते हैं इस तरीके से आपको कर लेना होगा। आपको 100 तक कर दोगे कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा कम कर लोगे तो कुछ इस प्रकार का। मैं इतना ही ले रहा हूँ, नहीं तो ज़्यादा रखने के बाद इसको अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं इतने तक कर लेता हूँ, 33 तक कर लेता हूँ। इसको ओके कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, तो आप बताओगे भाई ये तो वीडियो हो रहा है तो आपको फ़ोटो ही होगा। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको छोड़कर नहीं जाना है। तो अभी आपको क्या करना, इसको जो आपको फ़ोटो पहले वाला जो कॉपी किए थे ना इस वाला फ़ोटो को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओवरले का। तो यहाँ पर ओवरले वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पर, तो ये ओवरले वाला ऑप्शन पर आपको क्या करना होगा, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फोटो ना आपको जो एड आपको जो पहले आ जाएगा। तो अभी आपको इसको क्या करना होगा, तो इसको ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको कटआउट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रिमूव जो है ना ये आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस में बताता हूँ कि कुछ किस प्रकार का आपको जो आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है ये आप लोगों को रिमूव हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि साथियों अभी देख सकते हैं तो मेरा जो फोटो का जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप लोगों को ओके कर दीजिएगा। देने के बाद अभी आपको देख सकते हैं फोटो का जो आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों को किस तरीके से स्मूथली आपको बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को अब यहाँ पर सेव कर लेना होगा। कितने तक आपको सेव करना है ये आप लोगों को यहाँ से वीडियो को एक्सपर्ट कर लेना होगा। तो एक्सपर्ट हो जाने दीजिए, फिर आप लोगों को आगे का प्रोसेस में बताता हूँ किस प्रकार का आप लोगों को ये फोटो अभी आपको होना चाहिए। तो अभी आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट। ये कैपकट आप लोग सॉरी गाइस कैपकट नहीं है, तो वो जो काइन मास्टर वाला जो आपको वीडियो है ना ऐप है ये काइन मास्टर आपको यहाँ पर ओपन कर लेना होगा।
काइन मास्टर जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस इसको ओपन होने दीजिएगा, तो मैं इसको ओपन होने देता हूँ। तो जैसे कि साथियों अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो वीडियो है ना, यहाँ पर काइन मास्टर ओपन हो चुका है। तो अभी आपको जिस वीडियो को अभी यहाँ पर जो आप लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे, इस वीडियो को यहाँ पर आपको लेना होगा। तो मैं फटाफट से उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं फ़ोटो है ना, इसको मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर बड़ा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ज़्यादा आपको काम नहीं है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जो इस वाला जो ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर एक आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आएगा तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, ये फास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, तो इसको ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फटाफट से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर एंड सेव जो ये है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो आप लोगों का इसका जो एक स्क्रीनशॉट है ना, ये आप लोगों का आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसको अभी आप लोगों को यहाँ पर कट कर दीजिएगा। तो मैं कट कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को गैलरी में लेकर जाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को फोटो, तो गाइस अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहे हैं, तो इस फोटो को आप देख लीजिएगा किस तरीके से स्मूथली भावे आपको यहाँ पर स्मूथली यहाँ पर आप लोगों को फोटो जो है बैकग्राउंड को ब्लर हो चुका है, फिर सिर्फ वन क्लिक में ही हो चुका है। तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का आपको वीडियो एडिटिंग ऐप से आपको फोटो इस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ इस प्रकार का स्टेप करने के बाद अभी आपको वीडियो जो फोटो है ना, वो आप लोगों को खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।